हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ओल्ड पेपर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और ये फाइनल आंसर की रहेगी। मैंने इकोनॉमिक्स का एमपी सेट का भी ओल्ड पेपर और सिलेबस का वीडियो बना दिया है, और इवन मैंने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस का भी वीडियो बना दिया है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करती। आप चाहो तो जीए अकेडमी में देख सकते हो, या कि फिर एमपीपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि वीडियो में थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा देना। मैं वीडियो की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं इस पर भी हम वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलो मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाना। और ये उस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो AR7 का है ना सब्जेक्ट है, तो उस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इस बार मोस्ट प्रोबेबली यही है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलो ये फाइनल आंसर की रहेगी। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लो, जो हाईलाइटेड है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और ऑप्शंस चार ऑप्शंस रहेंगे। जो राइट ऑप्शन है वो डी है इसमें, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना बने, धीरे धीरे करके स्क्रॉल करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना। और सेकेंड क्वेश्चन में राइट आंसर क्या है, बी, ठीक है ना। निम्नलिखित में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्री को इंगित कीजिए, बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से थ्री का सी है। अब मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाना। हाईलाइटेड है ना, जो ब्लैक से चिन्हित है वो राइट आंसर रहेगा। देख लो धीरे धीरे करके, मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ। हम दोनों का क्या अमर है, क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। सेवेंटी राइट आंसर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बी इज द राइट आंसर। एसडीआर किसके द्वारा सृजित किया गया है, आईएमएफ द्वारा। क्वेश्चंस देख लो अच्छे से। देखो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सिलेबस का वीडियो बना दिया है, अब तो देख लेना। सार का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, ठीक है। औद्योगिक बीमारी के कारण है, सभी हैं, ठीक है, सभी हैं।
95 नंबर तक आ गए हम लोग। ऑप्शंस देखते जाओ और आंसर समझते जाओ, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, फिर उसके बाद नहीं पूछा। एक मिनट देखो, यहाँ पे नहीं पूछा है। बाइलिंगुअल बनना, यदि आपको इंग्लिश मीडियम से हो या कि फिर हिंदी मीडियम से हो। वैसे तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बाइलिंगुअल बनना इसलिए ज़रूरी, क्योंकि कभी भी कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं हिंदी में जो कि समझ में नहीं आते, फिर आपको इंग्लिश में देखना पड़ता है, इसलिए बाइलिंगुअल बनो। देखो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, 104 तक आ गए हैं। 104 का आंसर क्या है? डी, जो हाईलाइटेड है वो राइट आंसर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। 107 का सी, 108 का बी। दीदी करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ, ठीक है ना। 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 जो कि डिलीटेड है ना। विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ये सभी बेरोजगारी पाई जाती होगी, इस वजह से इन लोगों ने डिलीटेड ऑप्शन कर दिया, ठीक है ना। चलो 124 का सभी, 129 का सी, 129 ना, 130 का बी, 131 का सी, 132 का ए, 133 का ए, 134 का ए, ठीक है ना, 135 का ए। लॉन्ग पीरियड, यदि सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन होगा। इन अ केस व्हेन ऑल फैक्टर्स आर द वेरिएबल्स देन द प्रोडक्शन फंक्शन विल बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 136, 137, 138, 139, 149, 140, 141, 142, 143, 144। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1966 में। दीदी करके स्क्रॉल करती जा रही हैं, आप लोग देखते जाओ, ठीक है। इसी तरीके से और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे, भारत में किस प्रकार की वित्त व्यवस्था पाई जाती है? संघीय वित्त व्यवस्था। चलो 155, 156, 157, 158, 159। राइट आंसर क्या है? सी, जिसमें हाईलाइटेड है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो दीदी करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। 163, 164, 165, 166 का आंसर क्या है? डी, आपको निवेश गुणक का मान ज्ञात करना, वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना, मल्टीप्लायर, ठीक है ना। 167 का सी, लेफर रिलेशन बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय द लेफर कर्व, ना। चलो सी इज द राइट आंसर, 167। 168 का सी, 169 का बी, 170 का बी। दिवाली चल रही है इस वजह से पटाखे फोड़ रहे हैं। 171, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं बहुत कोने में बैठ करके वीडियो बना रही हूँ। चलो और आगे देख लेते हैं। 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, ठीक है। 180 का राइट आंसर क्या है? बी। 181 का सी, 182 का बी, 183 का ए, 184 का ए, 185 का बी, 186 का वी, 187 का सी, 188 का डी, 189 का वी, 190 का सी, एंड 191 का ए, एंड 192 का सी, एंड 193 का सी, 194 का ए, 195 का सी,
196 का वी, 197 का सी, 198 का बी, 199 का ए, 200 का 15%, है ना। चलो ये पेपर कंप्लीट होता है, दीदी करके स्कॉल करती गई क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। वीडियो और देख सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन APPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न किस तरीके का था। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू।